यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के करीब बनाया गया डंपिंग ग्राउंड परिसर के किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। डंपिंग ग्राउंड का कचरा खेतों में फैलने से किसान वर्ग में रोष व्याप्त है। ऐसे में मंगलवार को किसानों ने कचरे से लदे वाहनों को रोककर स्थानीय प्रशासन की बिगड़ैल कार्य पद्धति का न सिर्फ कड़ा विरोध किया बल्कि समस्या का हल न मिलने पर उन्होंने आत्महत्या की चेतावनी भी दे दी है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। वैसे तो नगर पालिका पर गांव या नगर के हितकारी कामों का जिम्मा होता है, लेकिन इन दिनों बात अगर दिग्रस नगर पालिका की जाए तो यहाँ सब कुछ उलट पुलट है। यहाँ शहर की पालक संस्था यानी नगर पालिका खुद ही लोगों के लिए नई नई मुश्किलें ईजाद कर रही है। अब दिग्रस शहर से सटे निम्बा गांव के पालिका के डंपिंग ग्राउंड को ही ले लीजिए। सरकार के करोड़ों रुपयों को फूंक कर बनाया गया यह डंपिंग ग्राउंड परिसर के किसानों के लिए मानो आफत बन गया है। यहाँ रोजाना कई टन सूखा कचरा बेतरतीब तरीके से उंडेला जाता है जो उड़कर परिसर के खेतों में फैलता है, जिस वजह से आसपास के न सिर्फ खेत बल्कि खेतों के कुएं भी कचरे की भरमार से पटे पड़े हैं। जी का जंजाल बन चुकी इस समस्या को लेकर पीड़ित किसानों ने पहले भी कई बार पालिका प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनको केवल ढकोसला ही मिला। ऐसे में इस परेशानी से तंग आकर किसानों ने मंगलवार को यहां कचरा उंडेलने आए वाहनों को रोककर रोष प्रदर्शन कर समस्या के तत्काल निवारण की मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने तक की चेतावनी भी पालिका सहित स्थानीय प्रशासन को दे दी है। इसकी वजह करके हमारी खेती पूरी पन्ने से भरे वाली है, हमारे नुकसान लाखों रुपए का खेती का नुकसान हो रहा हमारा हमेशा। एक साल नहीं, हम 5 साल से परेशान है जमीन पर ही। इनकी 5 साल से हम तकलीफ सहते आ रही है, लोगों की तकलीफ सहते सहते आज हमको ऐसा टाइम आ गया कि हमको इनकी गाड़ियाँ रुकाने की मजबूरी आ गई। इससे हमारा काम नहीं होया, हमारा इंसाफ नहीं मिला तो हम आज इसकी वजह से फांसी ले सकते हैं हमारा लगाकर आज, मगर गाड़ी हम जान देंगे नहीं उनके यहाँ। तहसीलदार, नगर परिषद, थानेदार साहब फक्त हे देते आश्वासन, होईन आज होईन उद्या होईन, पण आतापर्यंत झालं नाही। किती वर्ष झाली या गोष्टी, 2019 पासून आमच्याजवळ सगळे रेकॉर्ड आहे, सही सिक्का आहे साहेबर लोकांचे, OC आहे त्यांची झेरॉक्सवर, सगळं आहे आमच्याकडे। आता आम्ही यांच्या गाड्या जाऊ देणार नाही, जवरक ते लेखी देणार नाही, तरक आम्ही नगर परिषदची एकही गाडी डंपिंग ग्राउंडमध्ये येऊ देणार नाही। आम्ही दिवस रात्र इथंच थांबू, रातभरही थांबू, पण त्यांची गाडी अंदर येऊ देणार नाही। मालूम हो कि किसान हीरा बालापुरे, पुंडलिक थोरा तो वंदना शिंदे, इन्होंने पहले भी कई बार पालिका को संबंधित समस्या से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस हल ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। सूत्रों ने बताया कि 7 जून मंगलवार को जब इन किसानों ने कचरे की घंटा गाड़ियों को रोक कर विरोध जताया, तब इस हरकत की खबर लगते ही पालिका के जलापूर्ति विभाग में अभियंता गौरव मांडले और स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश कलोसे ने घटना स्थल का रुख किया, लेकिन न तो उन्होंने पीड़ित किसानों से बात की और न ही खेतों का निरीक्षण किया। बहरहाल पालिका प्रशासन की बिगड़ैल नीति और अड़ियल अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने असंवेदनशील रवैये से किसानों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है, जिस वजह से किसानों ने डंपिंग ग्राउंड को लेकर जारी उनका विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज करने के संकेत दे दिए है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।